कैसे कर रहा है? कर दो तो बाबू, डांस करके दिखा दो था, डांस करके दिखा दो था। मम्मा मम्मा कर दो, मम्मा 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 कर दो, मम्मा मम्मा कर दो, मम्मा मम्मा बोल दो, कर दो मम्मा 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 कर दो, मम्मा कर दो बेटा, ऐसे खड़ा होके कर दो, खड़ा होके ए डाउ डाउ कर दो, मम्मा 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 कर दो। नहीं नहीं नहीं, चलो 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 मामा के पास, चलो चलो मामा के पास, चलो पापा के पास जाएगा, हाँ पापा के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? बाबू इधर देखो, देखिए ना, चलो पापा के पास, ए बाबू देखिए ना कैसे देख रहा है आपको, क्या खाएगा, क्या लेगा इसमें से, अरे सब खा जाएगा, करो करो, अरे खा 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 खा, ये वाला खा लो, मत खिले ज्यादा मत खिले, खाया कहाँ है, लो कौन सा खाएगा, संतरा, ये तो तुमको खाने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, देखो ना क्या कर रहे हैं, ले ना, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, नहीं 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 नहीं, हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, ना दे 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 कर, नहीं देंगे, ना नहीं देंगे, ना नहीं देंगे, ना ना दे नहीं देंगे, ले ना दे दो, नहीं देंगे, नहीं देंगे, मेरे लिए आया, हम खाएंगे, ना नहीं देंगे, ना नहीं नहीं देंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब, एंड गुड मॉर्निंग, अभी हो गई है मॉर्निंग। तो इससे पहले जो आगे की थोड़ी सी क्लिप आप लोगों ने देखी, ये क्लिप थी कल शाम की, तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ घर गई थी, तो उसके बेबी के साथ थोड़ी सी हम लोगों ने मस्ती की, तो थोड़ा सा क्लिप ले लिया था, इसलिए आप लोग के साथ भी मैंने थोड़ी सी क्लिप को शेयर कर दिया है। और वीडियो को फुल वॉच करने की कोशिश करें, जो लोग नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो अभी मॉर्निंग हो गई है तो ठंड लग रही थी उठने के बाद, और धूप भी निकल आई थी, तो थोड़ी देर आज बहुत दिनों बाद मैं छत पर चली गई थी, वहाँ पे धूप में थोड़ी सी बैठने के लिए अच्छा लग रहा था, लेकिन हवाएं भी ठंडी ठंडी चल रही थी तो ठंड भी लग रहा था। पीछे आप लोग देख रहे हो कि कपड़े वगैरह सब कैसे उड़ रहे थे, तो आई होप आप लोग समझ रहे होगे कि सर्दियों में हवा जो होती है वो ज़रा सी भी चलती है तो ठंड लगती है, लेकिन धूप लग रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैं फ्रेश फील कर रही थी। और यहाँ पे थोड़ी सी टाइम मैंने छत पे बिताया, कनक भी यहीं पे, वो भी यहाँ पे टहल रही थी और मैं भी थोड़ी देर ऊपर बैठ गई थी। वैसे मैंने चाय पी लिया है, मैं अपना चाय छत पे ही लेके आ गई थी और यहाँ पे मैंने चाय पी लिया और थोड़ी देर यहाँ पे धूप सेक रही हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और प्लीज़ सपोर्ट करते रहे, मैं सभी से यही कह रही हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। जो लोग भी नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग को करना ही करना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी की बेल आइकन को ऑल पे जाके प्रेस कर देना, इससे होगा कि मैं और आप दोनों जुड़े रहेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पे ये जो कपड़े आप लोग को दिख रहे हैं, ये साड़ी मेरे ही कपड़े हैं, तो इसे मैंने कल डाले थे लेकिन अभी तक ये सूखे नहीं हैं, दो दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने में। यहाँ देखो धूप अच्छी निकली है, ये है मेरा तुलसी का पेड़ तो अच्छा लग रहा था, बाकी यहाँ पे जितने भी मैंने पौधे लगाए हैं सबकी हालत बेकार हो गई है क्योंकि सबके पत्ते झड़ने लगे हैं, अजीब तरीके का कलर हो गया है। ये एक गुलाब का पेड़ है तो यही थोड़ा सा सही दिख रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, ठंड तो लग ही रही है, वैसे पहले से ठंड थोड़ी सी कम हो गई है लेकिन ठंड लग रही थी। अभी तक मैंने नहाया नहीं है तो यहाँ पे बैठ के बस मैं चावल थोड़ा सा साफ़ कर रही थी और चावल साफ़ करके मैं रख दूँगी और जो भी छोटे छोटे काम है वो कर लूँगी, उसके बाद ही मैं नहाने जाने वाली थी। तो यहाँ पे बस मैंने ये अपना काम कर लिया और इसे मैं साफ़ करके रख दूँगी। ऐसे नहा के जब मैं आती हूँ तो इतनी ज़्यादा काम नहीं रहते हैं और फटाफट मैं अपने डिनर का लंच का इंतज़ाम कर लेती हूँ, सो इसलिए कुछ काम मैं पहले ही कर लेती हूँ। अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मॉर्निंग के टाइम में, तो इतनी सुबह सुबह नहाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, जिस वजह से मैंने सोचा कि चलो कुछ काम कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे बस यहाँ पे मैं गई, चावल को साफ कर रही थी, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी गली गली में, तो अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे वीडियो को मैंने बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया है, बस थोड़ा सा टाइम मैंने यहाँ धूप में बैठ के गुजार लिया था और मुझे अच्छा लग रहा था। आजकल मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं दे पा रही हूँ, सो इसलिए कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग लाइक में सपोर्ट करिएगा और लास्ट टाइम कंप्लीट करने में मेरी मदद करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी सबसे पहले नहाने से पहले यहाँ पे मैं थोड़े से चने फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो नहाने जाऊँगी, मुझे लेट हो जाएगा, लेकिन मैं कनक को नाश्ता करवा के जाऊँगी, तो इसलिए मैं उसके नाश्ते का इंतज़ाम कर रही हूँ। रोटियाँ मैंने सेक ली है और ये चने को फ्राई करके मैं कनक को थोड़ा सा दे दूँगी और वो नाश्ता कर लेगी, उसके बाद मैं आराम से नहाने जाऊँगी। तो नहाने से पहले मैं पहले कनक को नाश्ता करवा देती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाने जाती हूँ, ताकि अगर मुझे थोड़ा सा टाइम भी लग जाए तो बच्चे का खाना हो जाता है, और नहीं तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, जिस वजह से वो ऐसे ही रह जाती है। तो मैंने अपने रूटीन को थोड़ा चेंज कर दिया है, पहले मैं उसे नाश्ता करवा के उसके बाद ही नहाना पूजा वगैरह जो भी है मैं आराम से करती हूँ। अभी दोपहर का टाइम हो गया है और मैंने सारे काम फिनिश कर लिए हैं, नहाने के बाद खाना वगैरह सब हो गया है। ठंडी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो छत पे जाके थोड़ी सी आग जला लेती हूँ, वैसे भी ये मौका मिलता नहीं है तो मेरा मन हो रहा था आज, सो इस वजह से मैं चली गई थी। और वैसे भी यहाँ शहरों में आग जलाना तो कोई जलाते ही नहीं है, लेकिन मेरा मन हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी जला लेती हूँ। वैसे मैं भी बहुत नहीं जलाती हूँ क्योंकि गंदगी हो जाती है, पूरा छत ऐसे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी जला लेती हूँ और जो यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह बची है वो भी साफ़ हो जाएंगे, उसके बाद एक दिन मैं छत को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ आप लोग बताइएगा, और वीडियो में जो लोग भी अंत तक जुड़े हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, हो सके तो प्लीज़ फुल सपोर्ट करिए मुझे। बहुत लोग होते हैं वीडियो को थोड़ा सा देख के ही चले जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा आप लोग मत करिए, मेरे साथ सपोर्ट करिए। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से सपोर्ट करिए, बहुत से लोग हैं जो मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए मैं दिल से थैंक यू बोल रही हूँ। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करती रहिए और वीडियो को हमेशा अंत तक देखने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे बस थोड़ी देर में आग जला के जो बैठी हुई थी थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मतलब ले लूँगी, और जैसे थोड़ी सी गर्मी फील होने लगी मैं फटाफट नीचे चली जाऊँगी। अभी मेरा दोपहर में कोई काम नहीं है तो अभी जाने के बाद मैं आराम से थोड़ी देर लेटने वाली हूँ, क्योंकि पूरे दिन मॉर्निंग से ले कर दोपहर हो जाती है, हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा काम रहता है। सो थोड़ा सा वक्त मैंने आज अपने लिए निकाल लिया था, मॉर्निंग में भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था तो मैं धूप में बैठ गई थी, और आज दोपहर में भी मैंने टाइम निकाल दिया है। वैसे भी दोपहर में मुझे टाइम तो मिल ही जाता है, लेकिन मैं मतलब वैसे ही लेट जाती हूँ घर पे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं आज तो मैं ऊपर जाऊंगी और थोड़ा सा आग जरूर जलाऊंगी। यहाँ पे ये देखो मुझे आग जलाने उतनी अच्छे से आती नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस तो है नहीं, साथ ही पहले मैंने कभी इस तरीके का मतलब काम नहीं किया है, कभी मैंने इस तरीके का आग नहीं जलाया है। सो फिर भी मैंने कुछ वीडियोस वगैरह और किसी किसी को देखा है कि कैसे आग जलाते हैं, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ट्राई किया है और मुझे लग रहा है कि मैं सही ट्राई कर रही हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं आग नहीं जला सकती हूँ, जला सकती हूँ। और होता है ना कभी कभी कि जो काम हम नहीं करते तो हमें लगता है ये हमसे होगा या नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, ट्राई करने से हर चीज़ पॉसिबल है। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि धूप सॉरी यहाँ पे जो आग है वो बहुत अच्छी लग रही थी और थोड़ा सा गर्मी फील हो रहा था। सो वीडियो लंबी हो रही है, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को फुल वॉच